कानपुर से खबर है जहां पर बैंक कर्मियों ने दूसरे के खातों से भुगतान कर 60 लाख रुपए हड़पे। मुकदमा के बाद आरोपी धमकी दे रहे हैं। काकादेव में फर्जी दस्तावेजों से दूसरे के खाते में भुगतान कर 60 लाख हड़पने के मामले में पुलिस कमिश्नर के आदेश पर पीड़ित कुरियर संचालक ने यूनियन बैंक के कर्मचारियों समेत 5 पर धोखाधड़ी, कूट रचना, जान से मारने की धमकी और आपराधिक षड्यंत्र के गंभीर अपराध पर काकादेव थाने में बीती 28 जुलाई को रिपोर्ट दर्ज कराई थी, लेकिन मुकदमा लिखने के कई दिन बीतने के बावजूद पुलिस कार्रवाई सुस्त होने से पीड़ित की जान पर बनाई है। आरोप है कि उसे धमका रहे हैं। अशोक नगर स्थित कानपुर जर्नलिस्ट क्लब में शुक्रवार को हैरिसगंज निवासी पीयूष शुक्ला, जो SKA एक्सप्रेस कुरियर के संचालक है, उन्होंने प्रेस वार्ता में बताया कि पांजू नगर स्थित यूनियन बैंक के क्षेत्रीय कार्यालय की 2006 से डाक और कुरियर ले जाने का काम कर रहे थे। बैंक कर्मी हरकेश मिश्रा, अरुण मिश्रा, प्रवीण मिश्रा और प्रशांत कटियार ने उसका भुगतान कर खाता खुलवाया था। आरोप है कि आरोपितों ने फर्जी दस्तावेजों से भुगतान उसके SKA एक्सप्रेस कुरियर खाते के बजाय कानपुर देहात के पंकज कुमार के खाते में कर दिया। आरोप है कि जानकारी पर उसने उच्च अधिकारियों को जानकारी दी है और उसके बाद भी वे पंकज के खाते में ही भुगतान करते रहे हैं। 3 साल पहले हरिकेश ने उसकी संस्था के कार्य को गलत और फर्जी बताकर काम रुकवा दिया था। पीड़ित ने मामले को लेकर पुलिस कमिश्नर से गुहार लगाई है, जिसके बाद काकादेव थाना आरोपितों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है, लेकिन आरोपितों की गिरफ्तारी न होने से हौसले बुलंद और नजर आ रहे हैं। पीड़ित को धमकाते भी नजर आ रहे हैं। यहाँ पे SK BGM थे, उनसे शिकायत करी कि सर ये तो हमारा पैनल और पंकज को कैसे काम दिया गया। जब उनके संज्ञान में तो उन्होंने ये बोला कि ऐसा है, SK का अप्रूवल है, ऐसे तो काम दीजिए, टेंडर में अगर आएंगे तो उन्हें टेंडर दिया जाएगा। उसके बाद से पंकज को हम लोगों ने हटा दिया, केवल उनका पंकज हटाइए, पंकज को नहीं रखा जा सकता। जब प्रवीण मिश्रा ने ऊपर RTI में शिकायत दिलवा दिलवा के कंप्लेन कराते थे हमारे, जिस पे बैंक में जाँच भी हुई, मेरा नाम पीयूष शुक्ला है, SK एक्सप्रेस का प्रोप्राइटर हूँ। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में हमारा कुरियर क्लियरिंग चेक क्लियरिंग का कॉन्ट्रैक्ट अनुबंध था, जो करीबन 2000 से कर रहा हूँ, सन 2000 से कार्य कर रहा हूँ। 2006 में पंकज कुमार दुबे को यूनियन लीडर हैं प्रवीण मिश्रा, उनके रिलेटिव हैं, उन्होंने रखा था, जिनके द्वारा हमारी कंपनी के पास धोखाधड़ी करी गई है। उन्होंने हमारे किए हुए कार्य का भुगतान, जो हमने कार्य किया उसका भुगतान पंकज कुमार दुबे के इंडिविजुअल खाते में किया है, जो व्यक्तिगत खाता है, जिसके लिए बैंक में शिकायत भी की। बैंक ने ब्रांचों को लेटर भी लिखा कि ये पेमेंट गलत हो रहा, उसके बाद भी भुगतान होता रहा। और उसके अलावा क्या, जब ये साथ से प्रूफ होने लगे तो इन्होंने किया क्या, हमारे ही दस्तावेज को जाली दस्तावेज बताकर मेरे कार्य पर रोक लगा दी, कार बंद कर दिया और आपका FIR करने की धमकी दी और जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। प्रवीण मिश्रा, पंकज कुमार दुबे और ऋषिकेश मिश्रा, अरुण मिश्रा, ये सब रिश्तेदार आपस में कि ये कार्य रोक दीजिए, नहीं तो हम आपको जान से मरवा भी देंगे और दस्तावेज आपके सारे तो गायब करा ही देंगे बैंक के। हमने पुलिस महकमे में भी करी, इनके हेड ऑफिस भी कर रखी है, प्रधान कार्यालय, FGMO, रीजनल ऑफिस, सभी जितने उत्पत्त अधिकारी, सबको हमने शिकायत की इस बात में। हमारी मांग ये है कि सर, पुलिस ने FIR दर्ज कर ली है, अब इन पर अरेस्टिंग होना बहुत आवश्यक है, नहीं तो ये हमें जान को खतरा इनसे है और हमारे बैंक के जितने दस्तावेज वो गायब कर सकते हैं। साथ छुपा छोड़े, जो धोखाधड़ी हुई किस बैंक के माध्यम? यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। किस जगह स्थित? यूनियन बैंक पांडुनगर। कानपुर से कमर आलम की रिपोर्ट।